This is two magnetic poles. इसका फेस कैसा है बेटे? कर्व. व्हाइट कर्व टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहां से लाइंस ऐसे बाहर आ रही है. क्लियर? इस दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक क्वाइल आपने बना रखा है जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है. ये सॉफ्ट आयरन कोर या तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा या फिर स्फेरिकल शेप का होगा. जैसा भी होगा बेटे, अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां पे साउथ पोल डेवलप करेगा, यहां साउथ है तो इसके ईस्ट साइड क्या करेगा? नॉर्थ को डेवलप करेगा. दैट मीन्स कि ये लाइंस इस पर परपेंडिकुलरली एंड करेंगे. क्लियर? तो जरा देखो बेटे, ये सपोज सिलेंड्रिकल कोर है, सपोज ऐसा, या फिर स्फेरिकल कोर है, और यहां से आपका ये नॉर्थ पोल है, यहां से आपका ये साउथ पोल. तो होगा क्या बेटे, यहां से परपेंडिकुलरली बाहर निकला. अब अगर मैं इसे बहुत ज्यादा कर्व कर दूं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. क्लियर? सो इसको आपने थोड़ा सा कर्व किया और बाकी काम ये कर रहा है कोर. कैसे कर रहा है बेटे, कि यहां पे अगर मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, यहां साउथ अगर डेवलप करता है, तो ये अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो ये आगे चल करके क्या करता है, इस पर परपेंडिकुलर जब ये फॉल करेगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ताकि ये इसके सेंटर पे यहां पे एंड करे. कोई डाउट? फिर यहां से परपेंडिकुलरली बाहर निकला है और ये आगे चल करके इस पर परपेंडिकुलरली एंटर जाएगा. कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रहा है? इस तरीके से. क्लियर? अब इस कॉइल को आपने क्या किया है, एक टॉर्सन वायर होती है बेटे. टॉर्सन वायर उस वायर को बोलते हैं जिसमें परमानेंट चेंज जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि हाई इलास्टिसिटी है. और दूसरी बात ये बेटे, उसमें इलास्टिक कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही कम होगी. सो दैट कि अगर इस पे आपने सपोज इस कॉइल में आपने एक करंट पास किया तो आपको क्या पता है बेटे, कि जैसे ही करंट पास करेंगे, दैट मींस अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? एक टॉर्क लगेगा. जैसे ही टॉर्क लगेगा बेटे, ये क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा. फिर से समझाओ, जैसे ही ये रोटेट किया, एक टॉर्सन क्या होगा बेटे, इस वायर में प्रोड्यूस होगी. जस्ट लाइक सपोज ये एक वायर है और इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करूं, तो जैसे ही ट्विस्ट करूंगा बेटे तो इसमें वापस आने का एक फोर्स बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी वो डेवलप कर जाएगा. क्लियर है? कोई डॉट? अब क्या बेटे, इस कॉइल के साथ हमने क्या कर रखा है, एक रिजिड सपोर्ट लगा रखा है जिसके साथ एक निडल लगी हुई है. ये सारा अरेंजमेंट क्या है, बॉक्स के अंदर बंद है, तो आप अंदर झांक के नहीं देख सकते कि रोटेट कर रहा है या नहीं रोटेट कर रहा है. अब जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा, एक रिजिड सपोर्ट जो इसके साथ लगा हुआ है वो भी रोटेट करेगा और उसके साथ जो निडल लगी हुई है बेटे वो भी क्या कर जाएंगे, रोटेट करेंगे. क्लियर है? अब ये निडल क्या है बेटे, मिरर अरेंजमेंट के साथ यहां पे लगा हुआ है. दैट इज देयर इज अ स्केल जिसके नीचे मिरर है. मिरर क्यों है बेटे? पैरालैक्स को खत्म करने के लिए. जैसे ये निडल ऐसे घूमा. क्लियर? अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपको रीडिंग दिखेगी 5 पे, क्योंकि इस लाइन पे आप देख रहे हो. जबकि आपको देखना कैसे चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर. सो दैट ये और इसका मिरर इमेज दोनों क्या हो जाए, कॉन्साइड कर जाए. क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट, ये है इसका डायग्राम. क्लियर है? अब क्या है बेटे, नीचे देखो कि इस क्वाइल में करंट देने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आप कनेक्ट करोगे. अब अगर यहां पे परमानेंट ज्वाइंट होता अगर दोनों तारों का, जैसे सपोज ये दो तारे हैं, दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वाइल,
अगर आपने इसे दो टर्मिनल के साथ क्या कर रखा, पूरी तरह से बांध रखा यानी फिक्स्ड कर रखा बेटे, तो जब ये रोटेट करेगा तो एक टॉर्सन यहां भी प्रोड्यूस होंगी, फिर यहां पर भी ये क्या करेगा, ट्विस्ट पैदा करेगा और इस ट्विस्ट के कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स यहां भी डेवलप कर जाएगा। तो सिर्फ ट्विस्ट यहां पे प्रोड्यूस हो, रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ यहां से आए, इसके लिए यहां पर आपने क्या कर रखा है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बना रखा है। कैसे बना रखा होगा बेटे, जरा इसे मैं बड़ा करके समझाता हूं। ये देखिए, ये है सेमी सर्कुलर रिंग जिसके साथ आपने क्या कर रखा है, एक वायर कनेक्ट कर रखा है। एक दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके साथ भी आपने एक वायर कनेक्ट कर रखा है, और इन सेमी सर्कुलर रिंग के साथ आपने एक कार्बन ब्रश लगा रखा है। समझ में आ रही बात, ये रिंग जब घूमेगा तो इस कार्बन ब्रश के ऊपर स्लाइड करेगा बेटे, समझ में आ रही बात। ये इस तरीके से, ये आपका कार्बन ब्रश जो मैंने यहां पर छोटा सा बनाया, क्लियर है। अब कार्बन ब्रश में क्या होगा बेटे, इट्स मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ग्रेफाइट, तो वो यहां पर फ्रिक्शन जो पैदा कर रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पैदा कर रहा है, क्लियर है। तो ये कांटेक्ट में भी है नहीं। और फ्रिक्शन लेस टाइप का भी है, समझ में आ रही बात। अब इसके साथ मैंने एक टर्मिनल जोड़ रखा है ये, और इसके साथ एक टर्मिनल जोड़ रखा है ये। अब आपको एक्सटर्नल सर्किट से यहां और यहां क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है, क्लियर, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए इसकी जरा थ्योरी एंड वर्किंग समझते हैं बेटे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट समझ में आ गया बेटे, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आ गया और ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जो है बेटे वो भी समझ में आ गया, क्लियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग बेटे, कि व्हेन करंट इज पास थ्रू द A magnetic torque will act on the हो गया यानी याद कीजिए बेटे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एम बी आई। तो देखिए बेटे अगर आपने इसमें ऐसे रखा, सपोज ये है कॉइल का प्लेन, समझ में आ रहा है ये इस तरीके से, तो इसका प्लेन ये है और इसका एरिया वेक्टर ये है, कोई डाउट, पक्का समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये रहा जो इस पे टॉर्क लगाएगा, और वो एरिया वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई डाउट है। तो ये अल्फा एंगल कितने के बराबर हो गया बेटे, 90 डिग्री के बराबर, क्लियर। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, एन बी, और बी क्या बेटे, रेडियल, समझ में आ रही बात, दैट इज आई इंटू ए इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्लियर। आगे देख बेटे, अगर इस टॉर्क के कारण ये थोड़ा सा घूम गया, सपोज ऐसे घूम गया, तो ये क्वाइल अब ऐसा नहीं होगा, अब क्वाइल कैसा होगा, ऐसा, क्लियर। नाउ वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे टॉर्क लगाएगा दैट विल बी दिस, अभी तक ये लग रहा था, अब कौन सा है, ये, और इस केस में एरिया वेक्टर अब ये हो जाएगा, होगा या नहीं। अगेन ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे टॉर्क लगा रहा है बेटे, उसके साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिएंटेशन तो बदल रही है क्वाइल की, बट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे टॉर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन दोनों के बीच में एंगल कितने का रह रहा है, 90 डिग्री का। एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी होगा बेटे इधर के लिए, बट वो इस पे टॉर्क नहीं लगा रहा है, याद करो क्या समझाया था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, कि इसके दो कंपोनेंट होंगे हर एक एक्सिस पे, सपोज एक एक्सिस ये लिया मैंने, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा। अगर मैं क्वाइल को ऐसे रखूं तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक इसके परपेंडिकुलर भी होगा, बट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क, क्लियर। जो क्वाइल के पैरेलल है, क्वाइल के प्लेन के पैरेलल है, और यू कैन से क्वाइल के
एरिया वेक्टर के साथ कैसा है बेटे, परपेंडिकुलर है, वही सिर्फ इस पे टॉर्क लगा रहा है। तो हर एक केस में वी रेडियल की वैल्यू क्या रही, फिक्स रही, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ रखा है बेटे कि नेट फील्ड अलोंग ईच एंड एवरी एक्सिस दैट विल बी कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत। और उसके साथ एंगल कितने का रह रहा है बेटे, 90 डिग्री का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है बेटे कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू एन बी रेडियल इंटू आई इंटू, समझ में आ रहा है? अब होगा क्या बेटे, जैसे ही ये क्वाइल रोटेट किया तो लेट द क्वाइल रोटेट बाय एंगल थीटा, देन अ टॉर्शन दैट इज ट्विस्टेड विल बी प्रोड्यूस्ड इन द टॉर्सन वायर। होगा या नहीं? इस वायर में क्या होगा, एक ट्विस्ट पैदा होगा। क्लियर? सो रीस्टोरिंग टॉर्क विल डेवलप इन द टॉर्सन वायर। क्लियर? ये देखिए बेटे, अगर मैं इसे ले लूं और थोड़ा सा मोड़ूं तो मेरे ऊपर जो एफर्ट लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा पीछे के लिए, लेकिन मैं इसे बहुत ज्यादा ऐड दूं तो उसके बाद मैं मोड़ नहीं पा रहा हूं। इट मीन्स व्हाट, इसने जो बैक टॉर्सन दिया है वो मेरे टॉर्सन के क्या है, बराबर है। यानी जितना टॉर्क मैं लगा रहा हूं उतना ही टॉर्क ये क्या कर रहा है, अपोजिंग लगा रहा है। इट मीन्स व्हाट कि जितना ज्यादा ट्विस्ट आप करोगे उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। क्लियर है? तो हियर टॉर्क रीस्टोरिंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा मींस डिफ्लेक्शन। होगा या नहीं होगा? yes. बेटे कॉइल जितना रोटेट कर रहा है गैल्वेनोमीटर, जैसे ही ये रोटेट करेगा इसमें टॉर्सन प्रोड्यूस होंगे, जितना ज्यादा यह घूमेगा उतनी ज्यादा ट्विस्ट इसके अंदर पैदा होंगी, उतना ज्यादा टॉर्सन प्रोड्यूस होगा, जिस कारण से वो आगे घूमने को क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट मींस कि उतना ज्यादा वो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब जो टॉर्क रीस्टोरिंग डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना घुमाया है आपने। ये लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आप कपड़े में से पानी निचोड़ते हैं तो अगर आपने एक बार घुमाया वो आराम से आप घुमा लेते हैं, लेकिन दूसरा टर्न जब आप घुमाते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वाई सर? बिकॉज जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है उस क्लॉथ के अंदर वो क्या हो रहा है, आपके बराबर हो रहा है। दैट मींस कि आपको उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है। क्लियर? तो टॉर्क रीस्टोरिंग दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना रोटेशन हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? और वो डिफ्लेक्शन आपको किस चीज से पता चलेगा बेटे, वो निडल से पता चलेगा कि निडल कितना मूव कर रहा है जीरो से। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम आ गया है। सपोज करो कि आप क्लॉथ को मोड़ते जा रहे हो, मोड़ते जा रहे हो, एक पॉइंट आने के बाद अब और ज्यादा नहीं मोड़ पा रहे हो। इट मींस व्हाट कि आपने जितना टॉर्क लगाया है और उस क्लॉथ ने जितना टॉर्क लगाया, दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। क्लियर? सो एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन टॉर्क रीस्टोरिंग दैट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क मैग्नेटिक ऑन द क्वाइल। होगा या नहीं होगा? पक्का? अब देख बेटे, ये टॉर्क ऑन द क्वाइल ये तो बदल ही नहीं रहा है ना। देखो बेटे, जैसा इनिशियल कंडीशन में था वैसे थोड़ा सा मूव करने के बाद भी क्या था, उतना ही था। थोड़ा और ज्यादा मूव करने के बाद भी उतना ही था। चेंज क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आ रही बात? यस। क्लियर है या नहीं है? क्लियर? अगर मान लेते हैं कि टॉर्क रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है बेटे, तो टॉर्क रीस्टोरिंग किसके बराबर बोलेंगे बेटे, एक सर्टेन कांस्टेंट इनटू थीटा।
टॉर्क रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो टॉर्क रीस्टोरिंग किससे बराबर हो जाएगा बेटे? इस प्रोपोर्शनल को हटाओ, कोई कांस्टेंट डाल दो, दैट इज के इनटू थीटा, जहां पे के को बोलते हैं बेटे टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं बेटे इसे? टॉर्सनल कांस्टेंट। क्लियर? चलिए आगे। तो टॉर्क रीस्टोरिंग दैट इज इक्वल टू के इनटू थीटा, और टॉर्क मैग्नेटिक दैट इज इक्वल टू एन। यहां से आप क्या देख रहे हो बेटे? थीटा विल बी इक्वल टू एन बी रेडियल इंटू ए डिवाइडेड बाई के इंटू आई है, यानी ये चीज एक कॉन्स्टेंट है ना बेटे? देखो तो नंबर ऑफ टर्न, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और टॉर्सनल कॉन्स्टेंट। तो यहां से क्या पता चला बेटे? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। एनी डॉट? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटे, कितना करंट मैं दूं और कितना डिफ्लेक्शन हो, समझ में आ रही बात? यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो बेटे कम से कम करंट दूं और ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, मैं अगर इसकी वैल्यू कम रखूं और ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भी करंट इसमें गया तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन सेंस इवन ए स्मॉल करंट। दूसरा तरीका क्या है बेटे? कि इसमें ज्यादा करंट जाए और ये डिफ्लेक्ट क्या करे? बहुत कम करे। तो अगर ऐसे गैल्वेनोमीटर में अगर थोड़ा कम करंट देंगे तो डिफ्लेक्शन आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना कम डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई थीटा बाय आई इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट, एंड दिस इज कॉल्ड करेंट सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है? ये किसके बराबर होगा देखना तो बेटे, थीटा बाय आई अगर हम करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एन बी आर ए बाय होगा, यानी पक्का समझ में आ रहा है? इसी का जस्ट उल्टा देखते हैं बेटे, कि अगर मैं आई अगर लेता हूं, ये आई इधर, दैट विल बी इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन इंटू बी रेडियल इंटू ए इंटू थीटा है, यानी तो अगर मैं आई बाई थीटा अगर करता हूं बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन अगर वन का हो तो करंट कितना है? मीन टू से कि अगर आपने ये स्केल बना रखा है तो वन से लेकर के टू तक जाने में, यानी एक बार एक यूनिट रिफ्लेक्ट करने में, एक डिवीजन डिफ्लेक्ट करने में कितना करंट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात? दिस इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे बेटे? K डिवाइडेड बाय एन बी आर इंटू ए। देखो बेटे ये चीज कॉन्स्टेंट है, यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटे? कि करंट सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट। क्या? करंट सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट, यानी आप यहां लिख सकते हो बेटे कि आई एस दैट इज करंट सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू वन बाय फिगर ऑफ मेरिट होगा, यानी पक्का समझ में आ रहा है? ये किसके बराबर होगा? गौर से देखिए बेटे, एन बी आर ए अपॉन ए के बराबर एन, और ये वन अपॉन फिगर ऑफ मेरिट क्या था बेटे? के डिवाइडेड बाय एन इंटू बी आर इंटू ए। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं बेटे, यानी I इक्वल टू K डिवाइडेड बाय N
BR into A into है ना ये क्या है एरिया यार सब में तो एरिया लगा है एन बी आर ए तो आई दिस मच इनटू थीटा आप यहां से लिख सकते हैं आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है या नहीं पक्का समझ में आ रहा है यहां पर जो ये कांस्टेंट है इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर फिगर ऑफ मेरिट दोनों सेम चीज हो गया या नहीं हो गया हो गया पक्का समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं बेटे कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जरा देखो बेटे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था एन बी आर ए अपॉन के तो आपको ऐसा लग सकता है बेटे कि एन को बढ़ा दें बी को बढ़ा दें ए को बढ़ा दें डिवाइड और के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो के को क्या कर दें कम कर दें तो ये चार मेथड ऐसे हैं बेटे जिससे हम क्या कर सकते हैं सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं अगर इंक्रीज करना है तो इन तीन को इंक्रीज करो और इसे क्या कर दो बेटे डिक्रीज कर दो आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बात समझ में फिगर ऑफ मेरिट में क्या करना पड़ेगा इन तीनों को कम करना होगा और इस के की वैल्यू को क्या करना होगा ज्यादा करना होगा कोई डाउट आगे एक चैप्टर पढ़ना है बेटे ईएमआई अरे बात समझ में उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी मैग्नेट को जैसे चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है अरे बात समझ में क्या होता है बेटे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मेटल प्लेट रखते हैं और उसको मैं घुमाऊं फिराऊं समझ में आ रही बात तो उस केस में क्या होता है उसमें एक करंट पैदा होता है जो उस मोशन का क्या करता है अपोज करता है तो ये कॉइल है इसके साथ हम क्या रखते हैं बेटे एक मेटलिक प्लेट भी लगा देते हैं सपोज ऐसे या फिर ऑलरेडी ये केज्ड है तो जब ये घूमेगा वापस आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट वो क्या कर जाएगा चेंज करेगा चेंज करेगा तो उसमें एक ऐसा करंट पैदा होगा जो इसके मोशन को क्या करेगा अपोज करेगा तो जब ये डिफ्लेक्ट होकर के यहां तक आया था और आपने करंट की वैल्यू क्या की जीरो की तो जब ये वापस आ रहा है तो ये एडी करंट क्या करेगा इसके वापस आने को क्या करेगा अपोज करेगा तो जितने एक्सेलरेशन से तुम सोच रहे हो कि ये वापस आएगा उससे कम एक्सेलरेशन से वापस आएगा फिर जैसे ही वो मिड पॉइंट से पीछे जाना चाहेगा तो एडी करंट क्या होगा उसका जस्ट अपोज टॉर्क फिर भी होगा बेटे लेकिन जैसे मान लो मैं फ्रीली ऐसे घूमू और मैं कोई रोक करके घूमने दे तो मैं एक ही बार में क्या हो जाऊंगा रुक जाऊंगा या फिर हार्डली एक या फिर दो बार ऐसे डिफ्लेक्ट करूंगा और रुक जाऊंगा बीच में इसे हम बोलते हैं बेटे डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या नाम देते हैं इसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर ये है पूरी राम कहानी गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सेंसिटिविटी इसे रख कर दू नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी इसका क्या मतलब हुआ बेटे कि हाउ मच सेंसिटिव इज द गैल्वेनोमीटर फॉर इनपुट वोल्टेज है यानी तो आपका गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा वोल्टेज सेंसिटिव है इसका क्या मतलब हुआ बेटे छोटी सी वोल्टेज कि आप छोटी से छोटी वोल्टेज दो और उसका डिफ्लेक्शन क्या हो ज्यादा से ज्यादा हो यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं बेटे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज कोई डॉट है पक्का समझ में आ रहा है नाउ आप अगर इसे ओपन करो बेटे तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाय वी को लिख सकते हैं आई एन आर लिख सकते हैं यानी दैट इज इक्वल टू v
वी एस नाम दे दो बेटे, जैसे आई एस नाम दिया मैंने किस चीज का, करंट सेंसिटिविटी का, वैसे वी एस नाम क्या दे सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। जरा गौर से देखो बेटे ये क्या है, थीटा बाई आई करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर हो गया, एन बी रेडियल ए अपॉन के इंटू आर, दैट इज इक्वल टू वी एस। आ रहा समझ में, लेकिन आपने इस पर ध्यान दिया नहीं बेटे, आर का मतलब क्या है, किसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, समझ में आ रही बात, किसका ये रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का, तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जरा सोचो बेटे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर किस कहां से आएगा, मुझे कॉइल, कॉइल से, समझ में आ रही बात, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कोई डॉट, पक्का समझ में आ रहा है, जरा गौर से सोचो बेटे कि n बाई आर, समझ में आ रहा है, इसको उल्टा पढ़ ले बेटे, r बाई n, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड n इज द नंबर ऑफ टर्न। अगर मैं इसे डिवाइड करूं बेटे तो इसे बोलूंगा रेजिस्टेंस पर टर्न, होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, यानी एक टर्न का कितना रेजिस्टेंस है, क्या उसकी वैल्यू अलग अलग होंगी क्या, नहीं, पक्का समझ में आ रहा है, तो जनरली ये होता है कि हम करंट सेंसिटिविटी पे बोलते हैं नंबर को बढ़ा दो, बी आर को बढ़ा दो, ए को बढ़ा दो या फिर के को कम कर दो। तो अगर मैं एरिया को बदलता हूं, सपोज कि एरिया को मैंने डबल किया, तो सोचो बेटे कि अगर ये स्क्वायर है उसका एरिया डबल करना है तो आप क्या करोगे बेटे, इसकी लेंथ जो होंगी यानी साइड जो होंगी उसको आप एल से चेंज करके क्या कर दोगे, रूट टू एल कर दोगे, करोगे या नहीं, अरे एल का स्क्वायर पहले था, एरिया कितना, एल का स्क्वायर, अब आपको एरिया को क्या करना है, डबल करना है यानी टू एल स्क्वायर करना है, तो लेंथ को कितना रखना पड़ेगा, रूट टू एल, तो इसकी पेरीमीटर भी क्या हो जाएंगी, पहले अगर फोर एल थी ना पेरीमीटर, और कितनी हो जाएंगी, फोर रूट टू एल, होगा या नहीं, अब फोर एल को आप पेरीमीटर अगर बोल रहे हो तो ये रूट टू ऑफ पेरीमीटर हो गया, हो गया या नहीं, हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, पता है नहीं, तो इसकी लेंथ आपको रूट टू टाइम्स करनी पड़ी है, तो इसका पेरीमीटर भी इसका रूट टू टाइम्स करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स हो जाएगा। तो सोचो बेटे कि एरिया को मैंने, ये एक वी एस था, मैंने वी एस डैश निकालने की कोशिश की, यानी न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा बेटे, एन नंबर उतना ही रखा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रखा, मैंने एरिया को डबल कर दिया, सपोज टू ए कर दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, के उतना ही है बट रेजिस्टेंस जो ये आर आप बोल रहे हो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, रूट टू टाइम्स बढ़ चुकी है, क्योंकि लेंथ कितना हो चुका है, रूट टू टाइम्स बढ़ चुका है, तो इतना हो जाएगा रूट टू ऑफ आर, एक तरह से एन भी बढ़ेगा ना, हाँ एल बढ़ रहा है, एन बोल रहा हूँ बेटे, एन भी बढ़ेगा ना एक तरह से, नहीं बेटे एन क्यों बढ़ेगा, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, चार टर्न बनाने हैं आपको, मैंने लेंथ बढ़ाई है तो मतलब और टर्न्स मेरे को लाने पड़ेंगे उस लेंथ को कॉम्पनसेट करने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक, आपको पहले पांच बार ऐसे घूमना था, अगली बार पांच बार आपको ऐसे ऐसे घूमना है, अच्छा ठीक है, क्लियर, तो यहां पर क्या हुआ, ऑब्वियसली वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी है बट कितनी हुई है बेटे, रूट टू टाइम्स ऑफ द वी एस, हुआ है नहीं, देखो गौर से, रूट टू से इस टू को काट दे, रूट टू टाइम्स, बाकी एन इंटू बी आर इंटू ए डिवाइडेड बाय आर के, ये पहले के बराबर है, तो हम एरिया को डबल कर रहे हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाए, डबल हो जाए, बट साइमल्टेनियसली हमने ध्यान किस पे नहीं दिया, रेजिस्टेंस पे, कि रेजिस्टेंस भी रूट टू टाइम्स बढ़ चुका है,
क्लियर है? Yes. पक्का? तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी पर फर्क नहीं पड़ता है। एरिया बढ़ाने से, जिस रेशियो में आप बढ़ाना चाह रहे हो एरिया को, उस रेशियो में वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं चेंज होता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटे, कि आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू चेंज कर दो या फिर के की वैल्यू चेंज कर दो। अगर आपने इसकी वैल्यू डबल की तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगा। आपने इसको हाफ किया तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएंगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएंगी। दी जाएगा।